हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष व्लॉग्स। मेरा नाम है आयुषी और आज है 12th रक्षाबंधन। तो बस सुबह सुबह दूध आया था तो मैंने उसको चढ़ा दिया और कुछ बर्तन वॉश करके रखे थे तो उनको भी लगा दिए। और ये रक्षाबंधन की मिठाई मंगा ली थी मैंने अपने भाइयों के लिए। और बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं मम्मी के यहाँ। पहले हम लोग का था कि पहले बुआ के यहाँ जाना है, बट फिर हुआ कि बुआ की बेटी को आने में थोड़ा सा टाइम था, वो ऑफिस गई हुई थी। तो बस फिर हम लोग आ गए थे मम्मी के यहाँ। तो ये है मम्मी का मंदिर। और आते ही रिशा ने सबसे पहले बोला नानी राखी बांध दो, क्योंकि उसको सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था राखी बांधने का। तो बस फिर यहाँ पर आया, सबसे पहले उसने मम्मी से राखी बांधी। छुड़ाना नहीं फिर टीका? अरे उसका तो छूट जा रहा था, वो लगवाता है। नानी ये छूट गया, लगा दो। क्यों चावल नहीं लगवाता वो? आंख में चल जाती है। अरे चिपका देंगे, आंखों में खा जाएगी। नहीं वो जाएगी आंखों में? अरे बिल्कुल नहीं जाएगी आंखों में। नानी अच्छे से लगाएंगी? नहीं अच्छे से नहीं लगाऊंगी। अच्छा नहीं लगाएंगी, बस जो आपने कहा मैं मानूंगी। ठीक, ये कौन सा देकर में पानी भर के रखा है? वो मम्मा का था, उसमें कुछ निकल गया। चावल ना पानी नहीं लगाया जाता है। हल्के से डालो। अरे हल्के से डालेंगे। वो गिर सो गाइस, ये देखिए मम्मी के मनी प्लांट। और इतने प्यारे लगते हैं ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल ऐसे माइंड फ्रेश हो जाए अगर सुबह सुबह उठ कर आओ यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो मैं हर बार ज़रूर कैप्चर करती हूँ। सो गाइस, बस अब मैं अपने भाइयों के टीका करने जा रही हूँ। और ये है मेरा बड़ा भाई। ये वैसे कैमरे के सामने नहीं आता है, बट मैंने ले लिया और इसको पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग में डालूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके करूँगी, राखी बांधूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने छोटे भाई के टीका करूँगी। तो अब मैं रिशांग के टीका करने जा रही हूँ। रिशांग मैंने एक दाना चावल का लगा दिया तो तुरंत उठ करके भागा और फिर देखने लगा अपना फेस। और राखी ना मैंने इसको बांध दी थी, जब मम्मी ने बांधी थी तब भी तो बस इसकी टीका कर रही थी, क्योंकि सबको कर रही थी। तो फिर इसको भी था कि मम्मा मेरे भी करे, तो इसने फिर से लगवाया। और बस इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और मम्मी लोग खा चुके थे, क्योंकि हम लोग का पहले सुबह आने का था बट हम लोग थोड़ा लेट आए थे। तो मम्मी लोग खाना खा चुके थे, बस अभी मम्मी ने हम लोग के लिए लगाया था। तो बस हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग बुआ के यहाँ चले जाएंगे। क्या कह रहे बब्बू का प्रो? कहता है सबसे बेस्ट नानी है, सबसे बेस्ट नानी है और नानी पिकॉक। और पापा मतलब पापा क्या है आज? पापा क्या है? नॉर्मल। अच्छा, और मामा कौन?
वहाँ मम्मी से जाते ही बनवाई। उल्टा नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ना। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी बुआ के यहाँ, और बुआ मतलब आपसे मिला चुकी हूँ मैं बुआ को पहले, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो उनको बता दूँ, ये है मेरी बुआ सास निधि बुआ, और बस इनके घर हम लोग आए थे तो रिशान ने इनसे भी राखी बंधवाई, और ये जो पीछे है ये इनकी बेटी है, बड़ी बेटी तो वंशिका, और बस रेडी हो रही थी, उसके बाद फिर हम लोग राखी बंधवाएंगे। तो बस वंशिका अभी ऋषभ को टीका कर रही है, उसके बाद फिर मेरी करेगी, फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर, क्योंकि बुआ को भी जाना था राखी बांधने, तो इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके और फिर हम लोग घर चले गए थे। फिर ऋषभ को अपने शॉप पे कुछ काम था तो वहाँ चले गए। एक और वो वाली हम से नहीं बनवाना, उनको सही कर दो, तोड़ के ले लो, तोड़ अच्छा आपको नहीं खाना है, आओ खिला दे, खिला दे थोड़ी सी, खिलाई है क्योंकि मम्मी ज्यादा खिला दी, आज देखो सभी ऑलरेडी थोड़ा सा खाएंगे। तो बस अब बुआ राखी बांधेंगी मेरे और ऋषभ के, और ऋषभ क्या होता है कि बुआ भी बांधती हैं, तो जो मेरी नंद की आई हुई है वो बुआ बांधेंगी। तो इस तरीके से बस हम लोग ने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कहीं जाने के लिए बाहर, लेकिन ऋषभ को थोड़ा सा काम था तो फिर ऋषभ ने घर पर ड्रॉप कर दिया था। और ये देखिए बुआ कितनी सुंदर लग रही हैं, और बस हम लोग ने थोड़ी देर वहाँ पर बातें बातें करी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। कैसे हैं आप सब, आप सभी को हैप्पी राखी। और जस्ट अभी हम लोग घर आए हैं, ऋषभ चले गए हैं अपना कुछ काम से, और बस अभी आई हूँ, अब चेंज करने जा रही हूँ, रिशान को भी चेंज कराना है, गर्मी आज बहुत है, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बारिश वाला मौसम और फिर से धूप सी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उमस है आज, तो बस फटाफट से चेंज कर लूँ क्योंकि इन कपड़ों में ना बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छे लग रहे हैं, कम्फर्टेबल है। सो गाइस, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय सबके लिए, और चाय पी, और रात का खाने के लिए फिर ऋषभ बाहर से ले आए थे सब कुछ, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था बारिश वाला, तो बस ऐसा ही रहा हमारा रक्षाबंधन। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।